कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। स्वामी रामानंद जी जो थे ये अन्य जाति वालों से तो प्यार करने लग गए थे, छुआछूत ये तो भूल गए थे कबीर परमात्मा की कृपा से, लेकिन मुसलमानों से अब भी नफरत किया करते थे। अब वो पहरेदार अंदर गया, रामानंद जी साथ ही बैठे थे थोड़ी सी साइड में, और पहरेदार ने कहा कि महाराज स्वामी जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी आए हुए हैं, वो कबीर जी से मिलना चाहते हैं, तब तक वो यहाँ आश्रम में आपके यहाँ आना चाहते हैं। अब रामानंद जी ने कहा कि उसको कह दो वो बाहर ही खड़ा रहे, उन काफिरों के उन मलेच्छों के लिए जो मांस खाते हैं उनके लिए मेरे आश्रम में स्थान नहीं है। ये वचन जो ऊंचे आवाज से रामानंद बोल रहा था सिकंदर लोधी भी सुन रहा था, और पहरेदार ने आके बता दिया सेवादार ने कि स्वामी जी ने मना कर दिया है और कहा है कि मुसलमानों के लिए हमारे आश्रम में स्थान नहीं है। अब राजा में एक सबसे बुंडी बीमारी ये होती है कि वो जो ना नहीं सुन सकता किसी तरह, और इसलिए कहते हैं राजा जो है घोर पाप इकट्ठा करके ले जाता है। एकदम सिकंदर लोदी का बीपी हाई हो गया और तलवार निकाल ली कि ये दो कौड़ी का महात्मा संत और मेरा अपमान करता दिल्ली के सम्राट का, ये अन्य मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार करता होगा इसकी अभी मजा चखाता हूँ। अब फिर राजा ने क्या किया, आज्ञा की आवश्यकता थी, पहुँच गया अंदर और निकाल कर तलवार और कहा कि तू मुसलमानों से नफरत करता है, गर्दन काट दी। रामानंद की धड़ अलग होगी, गर्दन धड़ से अलग होगी। अब वो गर्दन काट दी, सिकंदर लोधी और वीर सिंह वापस चल पड़े। सिकंदर लोधी कहने लगा वीर सिंह मेरे खोटे कर्म इतने पाप कर्म आगे अड़ गए हैं, देख मैं आया था अपना समाधान करवाने के लिए और मैंने कबीर जी के गुरुदेव की गर्दन काट दी, अब वो मुझे रहम नहीं बख्शेंगे मेरे ऊपर, मुझे ठीक नहीं करेंगे, मैं बड़ा पापी आत्मा हूँ। ये मन है काल, एक बार गुस्से में पता नहीं के कुकर्म करवा दे फिर आत्मा रोती है। तो पुण्यात्माओं भक्त आत्माओं को संयम की बहुत आवश्यकता होती है, परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। हमें चाहे कितनी भी ऐसे लगे कि बहुत बुरा हो रहा है लेकिन अंत उसका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भगवान का सहयोग हमारे साथ होता है। तो इतना हम विवेक से काम नहीं लेते, धैर्य नहीं रखते, इसलिए हम हानि उठा जाते हैं। जो ही वो बाहर निकले तो सामने कबीर परमेश्वर आ रहे थे। सिकंदर उस वीर सिंह जी जानते ही थे, वीर सिंह देव ने देखा कि परमात्मा बिल्कुल सामने ही आ चुके हैं, और वीर सिंह ने कहा कि सिकंदर जी हे सम्राट हे महाराज जी ये आगे गुरुदेव आ गए हैं। तो वीर देव सिंह बघेल ने दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत अपने गुरुदेव को वहां जमीन पर लेट गए। अब मरता क्या नहीं करता, सिकंदर लोदी ने सोचा ये भी शराप देगा तेरे ते, पैर पकड़ दे जान बच जाता है, और दुख हो गया होगा तेरे को, अब ये परिवार में भी आग लग जाएगी, इसे संत के गुरु की इतना हत्या कर दी। चरणों में गिर गया समेत मुकुट के वो सिकंदर लोदी भी। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने दोनों के सिर पे हाथ रखा, लेटे लेटे होगा जैसे दंडवत कर रहे थे, झुक के परमात्मा ने कहा कि दो दो नरेश इस गरीब के पास कैसे आए। अब जो ही परमात्मा कबीर देव जी ने सिकंदर लोदी के शीश पर हाथ रखा आशीर्वाद के लिए, तो ही उसका रोग छू मंत्र हो गया, वो दर्द नहीं रहा जिससे वो चिल्ला रहा था, एक पल भी चैन नहीं था।
अब सिकंदर लोदी को समझ में आ गई कि भाई ये तो भगवान ने पढ़ा है, हो ये तो अल्लाहों का अल्लाह है, खुदाओं का खुदा, ये सचमुच कबीर है, ये सचमुच अल्लाह बड़ा है। अपन आत्माओं जिसका लागे वो जाने, और ने क्या पता इसके विषय में। अब सिकंदर लोधी ने कहा, परवरदिगार जिस उद्देश्य से मैं आपके पास आया था वो तो आपने आशीर्वाद मात्र से मैं स्वस्थ कर दिया, लेकिन परमात्मा मैंने एक घोर अपराध कर दिया, मुझे क्षमा कर दो। अब परमेश्वर ने कहा कि क्या अपराध है, कहने लगे जी ऐसा अपराध है, उठ नहीं रहा वो, चरण पकड़े पकड़े रो रहा कबीर जी के, सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह, कि प्रभु मैंने ऐसा अपराध कर दिया, आप क्षमा नहीं कर पाओगे। परमात्मा ने कहा भाई मैंने माफ़ कर दिया तेने, कुछ भी पाप किया, चल खड़ा हो, खड़ा हो बेटा, बच्चा खड़ा हो। अब सिकंदर लोधी ने कहा प्रभु मैंने सारी कहानी बताई, मैं दुखी था, बीमारी के कारण मेरा चिड़चिड़ा मन हो चुका था, इसी स्वभाव से मैंने रामानंद जी को प्रार्थना की थी कि मैं कुछ देर आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ जब तक कबीर जी आवें। रामानंद जी ने कहा कि मैं मुसलमानों से नफरत करता हूँ, उनके दर्शन भी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे गुस्सा आ गया और क्रोधवश मैंने आपके गुरुदेव की हत्या कर दी, न्यों कह के फिर चिपट गया चरणों में। परमात्मा बोले कोई बात ना सिकंदर, इसकी मृत्यु तेरे हाथ से निहित थी और ये ऐसे ही होनी थी, गुरु जी का आगे शेष जीवन नहीं था, आप चिंता मत करो। कौन किसने मारा ये तो इनके संस्कार थे, ये हो चुका जो होना था, आप चिंता मत करो, चलो आ जा, पर एक काम कर ऐसे मत जा, इसका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो दुनिया तुझे धिक्कारेगी। अब सिकंदर लोधी उठ लिया, परमात्मा आगे आगे चल दिया आश्रम में प्रवेश करने के लिए, सिकंदर लोधी और वीर सिंह पीछे पीछे आ रहे हैं। अब सिकंदर लोधी कहता है वीर सिंह जिसा सुना था वैसा ही पाया भगवान तेरा, ये तो वैसे ही मिले गुरुदेव, इन्होंने कमाल कर दिया, मेरे मुझे याद भी नहीं कि मैं कभी बीमार हुआ था। अब वीर सिंह मन मन में कह रहा है तो देखता जाए बत फर्स्ट ट्रेलर है तो तेरे को दिखाया है, ये तो पहला एक एग्जाम्पल है छोटा सा, आगे देखना इस मालिक की महिमा। अब अंदर जाकर देखा कि रामानंद जी की गर्दन अलग और धड़ न्यारी पड़ी और कपड़े ढक रखे दोनों पे। अब सभी वहाँ उपस्थित जो भगत जन थे वो भागे आए, कहने लगे क्योंकि वीर सिंह और सिकंदर थोड़ा पीछा रह गए थे, मोड़ था, सब भगत एकदम कबीर साहब के पास आके रो रहे थे, कहने लगे सिकंदर लोधी ने अपने गुरुदेव को मार दिया, कत्ल कर दिया, जुल्म कर दिया, इन मुसलमानों ने नाश कर दिया। परमात्मा बोले भाई तुम भगत होकर ऐसी बात करते हो हिंदू और मुसलमानों की, कौन किसने मारा है, गुरुदेव का संस्कार था ना, कितने साल का आज सिकंदर, राजा बुलाए तो को नहीं आओ ना, तो भाई इसका इनका कोई संस्कार था, अरे संत मरते हैं कभी, ये शरीर माटी है तो एक दिन छोड़ना ही था, उनको ऐसी ऐसी सांत्वना देकर शांत किया। फिर परमात्मा ने जो धड़ पड़ी थी रामानंद जी की उसके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, फिर खड़े हुए, फिर चरण छुए एक सुयोग्य शिष्य के लीला करते हुए, उस मरे हुए धड़ अलग थे उस कबीर रामानंद जी के चरण छुए कपड़े के अंदर से ही, और कहा गुरुदेव आपके दर्शनार्थ दिल्ली से बादशाह आए हैं, काशी नरेश आए हैं, और संध्या आरती का समय हो गया, प्रभु आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, उठो जागो। ऐसा ही कहा था कि इतनी देर में वो धड़ गर्दन जो दूर पड़ा था शीश उठकर अपने आप रामानंद जी की धड़ पर लग गया और रामानंद जी राम राम कहते हुए बैठे हो गए। बोलो सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब रामानंद जी ने देखा कि सामने वही सिकंदर फिर खड़ा है, फिर त्योड़ी तीन पड़ी, टेढ़ा टेढ़ी आंखें कर ली, फिर नीचे को देखा तो उनके शरीर से जब शरीर की को काट दिया था आधा आधे हिस्से से खून की धारा बह रही थी, आधे से दूध की। तब रामानंद जी ने पूछा अब कबीर भगवान से, कहा कि हे परमेश्वर कबीर देव,
मेरे शरीर से ये आधा दूध और आधा खून रक्त कैसे निकला, मुझे कृपा करके बताओ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि परमात्मा, हे गुरुदेव, आप पहले तो अन्य जाति वालों से नफरत करते थे, केवल ब्राह्मण से प्यार करते थे, इन्हीं को दीक्षा और शिक्षा दिया करते थे। इस दास की प्रार्थना से आपने हिंदू धर्म के सभी सुअछात तो मिटा दी प्रभु, आप सब जाति वालों को अब एक समान समझते हो, इसलिए आपके शरीर से आधा दूध निकला है। अभी आप मुसलमानों से नफरत करते हो, इसलिए आप पूर्ण पवित्र नहीं हुए हो, आधा खून ही निकला है आपके अंदर से। तब परमात्मा ने एक घंटे तक हिंदू मुसलमान एकता का प्रचार किया कि तुम एक पिता की संतान हो, सतलोक से आए थे, तुम एक पिता की संतान हो, यहाँ काल ने पूरे मानव समाज को विभाजित कर दिया है, तुम्हारा ये नाजायज फायदा उठा रहा है, आपस में लड़ा मार रहा है, इसका इसने 100,000 मानव शरीरधारी प्राणी नित खाने पड़ते हैं। रामानंद जी ने खड़ा होकर के वो सिकंदर लोदी को सीने से लगा लिया, बेटा मेरे से गलती होगी, माफ कर देना, मैं सारी उम्र इसे रंगमर रंगया हुआ था, ऐसी जाति में मेरा जन्म था ब्राह्मण, ये थोड़ी सी करड़ और रह रही थी, ये थोड़ी सी त्रुटि और थी, या आज निकाल दी कमजोरी मेरे कबीर भगवान ने, आज के बाद मैं किसी जाति मजहब वाले को अलग नहीं समझूंगा, हम एक आत्मा एक परमात्मा के बच्चे हैं। अपुण्य आत्माओं, अब सिकंदर लोदी का तो ऐसा हो गया कि रक्त तेरा गजब होइयो, भगवान अल्लाह अल्लाह करते फिर अल्लाह काशी में, अल्लाह तो बनारस में बैठा, ये जुलाहे रूप में, तो उन्होंने सिकंदर लोदी का तो दिल में ऐसा समा गया कि इसको सिर पर रख लूँ, कहाँ बैठा दूँ और ले चलूँ इसको बनारस, वहाँ दिल्ली में, और हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करके इनका सत्संग सुनवाऊँ ताकि सारे आपस में लड़ाई झगड़े मिट जाएं। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार से दुष्ट आत्मा होते हैं, ये सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये एक हो जाए तो इनका रोजी रोटी खत्म हो जाए, तो ये दुनिया को भ्रमित करके खा रहे हैं, हमें अलग डिवाइड करके ये प्रभु बने बैठे हैं, कोई मंत बन रहा है, कोई संत बन रहा है, कोई पीर कोई गुरु, तो लोग इनसे दूर हो जाएं। ये इसी उद्देश्य से सच्चाई को, सत्य को जनता तक नहीं जाने देते, उल्टी टांग अड़ाया करें। तो परमात्मा कबीर जी को लेकर के सिकंदर लोधी बनारस में वीरदेव सिंह बघेल के घर पर आ गए, प्रार्थना करके ले आए। लेकिन कबीर परमात्मा ने कहा कि सिकंदर, मैं ऐसे ना चला करूं किसी के संग में, मेरा कोई उपदेश ले, मेरे मर्यादा का पालन करे तो मैं साथ चलूं, नहीं तो मैं नहीं चलूंगा। कहने लगे परमात्मा, सिकंदर लोधी ने कहा कि प्रभु आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, कि मेरी दीक्षा ले, मेरा शिष्य बन और उपदेश ले, अभी तो एक आपत्ति है, आपत्ति टड़ी है, ना जाने कितनी आपत्तियां तेरे जीवन में और रखी हैं, प्रारब्ध कर्म में रखी है, वो भी भक्ति से और मेरे उपदेश से ठीक होगा। अब सिकंदर लोधी ने सब नियम मर्यादाएं पालन करने की स्वीकृति दे दी कि आज के बाद मैं मांस नहीं छूंगा। परमात्मा ने कहा कि तू ऐलान कर दे तेरे राज्य में, तेरे देश में, कि कोई भी जीव हिंसा नहीं करेगा। अब सिकंदर कहने लगा, परमात्मा मैं आपका आदेश का पालन तो कर लूँगा, लेकिन मेरी गद्दी नहीं रहेगी, ये देश के धर्म के ठेकेदार मुसलमान मेरा एकदम बगावत कर देंगे, विरोध करवा देंगे, और ये जीव के चठोरे मांस खाने के आदि पड़ आदि हो गए हैं, जनता को भी अपने स्वाद के लिए साथ ले लिया है, आदेश मैं दे दूंगा आपकी आज्ञा से, पर पालन कोई नहीं करेगा परवरदिगार, और मेरे को और ज़्यादा आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। परमात्मा बोले, भाई ठीक है तू, पर आप मांस मत खाना। जी मैं नहीं खाऊंगा मांस, ये कान पकड़ दिया मैंने। ठीक है, जो आपकी मर्यादा होगी मैं सारी पालन करूंगा। ठीक है, परमात्मा ने उनको उपदेश दे दिया, अपना शिष्य बनाया, और रामानंद जी सिकंदर लोधी ने दिल्ली चलने की प्रार्थना की, परमात्मा ने स्वीकार की, चल पड़ाएंगे। अब सिकंदर सुबह शाम के समय वापस अपने रेस्ट हाउस में चले गए सिकंदर लोधी, जहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था की गई थी, उसके साथ सिकंदर लोधी के साथ उनका एक धार्मिक गुरु शेख तकी
वो भी बनारस आया था, लेकिन वो रामानंद जी के आश्रम में आने से मना कर गया था कि मैं इन काफरों के आश्रम में नहीं जाता, मैं मुसलमान हूँ। अब ये न्यू हमें डिवाइड करें बैठे थे, ये नकली गुरु और पीर, ये हिंदू धर्म के गुरु मुसलमान के पीर, हमने न्यू अलग अलग कर रहे थे। उधर से रामानंद कह रहा था मैं मुसलमानों को के दर्शन भी नहीं करता, ये मांस खाते हैं। और उधर से वो शेख तकी कह रहा है कि मैं इन काफिरों के आश्रमों में नहीं जाता, ये तो जो है काफिर हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं, तो इसलिए वहाँ नहीं गया वो राम। अब तो शाम के समय जब चर्चा चली, कब सिकंदर लोधी ने बताया मैं कति स्वस्थ हो गया, सैकड़ों सैनिक और बहुत से नागरिक इकट्ठे हो गए, कबीर जी ने मुझे स्वस्थ कर दिया, आशीर्वाद मात्र से स्वस्थ कर दिया, तो भगवान है। और भी शिष्य थे जो सिकंदर वीर सिंह के साथी थे, गुरु भाई थे कबीर जी के शिष्य, वह भी वीर सिंह के पास चले जाते थे, 150 डेली परमात्मा की चर्चा करा करते थे, तो वो भी आगे। तो सब कहने लगे सिकंदर बादशाह जी ये तो भगवान आए हैं, स्वयं परमात्मा हैं, ये वो पूर्ण ब्रह्म है जिसको कुरान शरीफ में अल्लाह अकबर कहते हैं, वेदों में कबीर देव कहते हैं, ये वही आए हुए स्वयं। तो सिकंदर लोधी कहे भाई सचमुच ये तो भगवान आए हुए हैं, भगवान बिना ये काम हो नहीं सकते जो मेरे सामने किए। मैंने रामानंद जी महात्मा की गर्दन काट दी थी, अलग कर दी थी अपनी आँखों हाथों से, और मेरे सामने जीवित कर दिया, और मेरे असाध्य रोग था वो हाथ सप्रस मात्र से स्वस्थ कर दिया। अब वो शेख तकी बैठा था धार्मिक गुरु सिकंदर लोधी का, उसका तेल जैसे छींटे लग रहे अंदर से, वो अंदर से अंदर ही अंदर उछल रहा है। फिर कहता है सिकंदर को कि अच्छा अब तू हिंदू बनेगा, वीर सिंह बुलाए तो बन गया, बनेगा के तो नाम ले आया कबीर जी से। वीर सिंह जी ने कहा ये तो हिंदू कहो चाहे मुसलमान, ये तो बन गया, इन्होंने उपदेश ले लिया। अच्छा अब क्या उसमें क्या खासियत देख ली तूने? अब सिकंदर लोधी समझाने लग गया पर को नहीं माना। सिकंदर लोधी कहने लगा कि अब मैं तो इतनी बात जानता नहीं, गुरु जी को बुला लेते हैं सवेरे, तू उनसे डिस्कस कर लिए। तो सिकंदर कबीर परमेश्वर को सवेरे वहाँ आना ही था, प्रार्थना की थी गुरुदेव अपने दास को आकर संभालना सवेरे, हमें कुछ ज्ञान चर्चा करो। तो वहाँ परमात्मा आए थे, कबीर जी आ गए, परमात्मा और शेख तकी का वह वार्तालाप सुनी हुई स्टार्ट हुई। तो परमेश्वर ने कहा कि पुण्यात्माओं तुम सभी एक परमात्मा की संतान हो, आप सब उस अल्लाह कबीर के बच्चे हो, एक भगवान की संतान हो। यहाँ आप तत्वज्ञान से अपरिचित होने के कारण आप अलग अलग हो गए, भिन्न भिन्न हो गए हो। परमात्मा ने कहा कि न तो हिंदू गुरु अपने सदग्रंथों से परिचित और न ही मुसलमान पीर अपनी कुरान शरीफ से परिचित। इस बात को कहते शेख तकी के फिर सींग जाम गए। नू कहता अच्छा तू ही जानता है बस सभी को, तू ही सभी के सदग्रंथों को जानने वाला है। तो परमात्मा ने प्रश्न किया कि स्वामी पीर जी एक बात बता, अल्लाह साकार है निराकार? तो शेख तकी ने कहा वो तो बेचून है, निराकार है, वो अदृश्य है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो निराकार है। परमात्मा बोले सूरत फुरकानी ना, कहने लगे पवित्र बाइबल को आप मानते हो? हाँ पवित्र बाइबल जो है वो, पवित्र बाइबल में जो ज्ञान है वो उसमें से 50%, 60%, 40% जो है कुरान शरीफ में भी वही ज्ञान है जो पवित्र बाइबल में है, उत्पत्ति ग्रंथ बाइबल में उसमें लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने जैसे बनाए। और कुरान पवित्र कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52-59 इसमें आप पढ़ के देखो, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह किसी और कबीर नामक परमात्मा के विषय में जानकारी दे रहा है, और वो कह रहा है कि उसके विषय में मैं नहीं जानता। वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, जा विराजा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो।
तो इससे क्या सिद्ध होता है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है वो तकत पर जा बैठा तो साकार है, निराकार नहीं है। अब अग्रम अग्रम में जगह छोड़ी नहीं, भगवान ने एक के पॉइंट में दोनों क्लियर कर दिए और वो कबीर है। तो शेख तकी कहता, अच्छा वो तू है फिर? तो परमात्मा बोले, हाँ मैं ही हूँ वो। तो फिर कहता शेख तकी, कहता कि झूठ बोलता है, ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा है, ये बकवाद करता है, ये अक्षर ज्ञान युक्त है नहीं, ये झूठा है कबीर। अपनात्मा ये कुरान शरीफ आदि को केवल यही लोग पढ़ा करते थे, पीर और मुल्ला और काजी। अन्य को तो केवल नमाज बता रखी थी समाज को, तुम पांच वक्त परमात्मा की स्तुति कराया करो। नमाज माने आरती, महिमा का गुणगान करना, उसकी पांच बार किया करो, उसमें से दे रखी थी बस। परमात्मा बोले, आपने कभी हजरत मोहम्मद जी का जीवन चरित्र सुनाओ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा सिकंद उसको शेख तकी को कि आप हजरत मोहम्मद जी के बारे में कुछ जानकारी दो। शेख तकी ने सुनाया कि हजरत मोहम्मद, उनके माता पिता का नाम बताया और कहा कि जब हजरत मोहम्मद गर्भ में थे, माँ के पेट में थे, पिता चल बसा, और जब जन्म हुआ 6 वर्ष के हो गए तो माँ भी मर गई, 10 वर्ष की आयु के हुए तो दादा भी मर गया, कोई वाली वारस रहा नहीं, यतीम की तरह उनकी पालन पोषण हुआ। फिर बताया कि 40 वर्षीय एक खदीजा नामक, जो 2 बार विधवा हो चुकी थी, उस औरत से हजरत मोहम्मद जी का निकाह हुआ, ब्याह हुआ, उससे 6 संतान हुई, 2 लड़के 2-4 लड़कियां आदि आदि। अब मैं आपको ये दास आपको थोड़ा सा हजरत मोहम्मद जी का वो जीवन चरित्र सुनाएंगे, दिखाएंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, क्योंकि अब ये ऐसा जटिल प्रश्न हो गया है कि वर्बली कोई नहीं माने और झूठा झूठा कह कह टाल देंगे। आंखां देखकर ही आज पुण्यात्मा मान सकेंगी, पहचान सकेंगी परमात्मा को। ये देखिएगा हजरत मोहम्मद जी की जीवनी, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी अनुवादक है नसीम गाजी फलाही, मकरजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं इनाम, मूल किताब मुकदमे मोहम्मद में अरबी उर्दू। ये बुक है मोहम्मद अरबी, इसमें से इसका अनुवाद लिया गया है। प्रकाशक है मरकजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, दावत नगर, अबुल फजल इंकलेव, जामिया नगर, दिल्ली। अब देखिएगा, अब दास ये थोड़ा सा हिसाब थोड़ा सा दिखाएगा आपको कि हजरत मोहम्मद जी के 3 बेटे थे और 4 पुत्रियां थी। हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान कैसे मिला, पहले ये थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि फिर आपको समझ में आएगा कि ये बाई फोरस काल ने अपना यु ज्ञान थोप रखा है मुसलमान धर्म के ऊपर। अब देखिएगा, ये देखिएगा इसके प्रश्न नंबर 27 पर, 27 पर थोड़ा सा दिखाऊंगा। शादी को अभी कुछ दिन ही हुए थे, व्यापारियों के एक काफिला शाम जा रहा था, उसके साथ अब्दुल्ला भी हो लिए। अब्दुल्ला कौन? हजरत मोहम्मद के पिताजी। वापसी में मदीने से गुजरे, यहाँ उनके बाप का ननिहाल था, यानी मामा थे उनके, और थके तो थे ही, दम लेने के लिए ठहर गए, इत्तफाक से बीमार पड़ गए, साथियों ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और मक्के को चल दिए। मदीना जहाँ से लोग कल अब्दुल्ला की नई जिंदगी का मुबारक पैगाम लेकर आए थे, आज वहीं से
अब्दुल्ला के इंतकाल की दुखद खबर आ रही थी। ये अब्दुल्ला कौन था? हजरत मोहम्मद के पिता मर गया। खबर बड़ी दर्दनाक थी, नौजवान की नौजवान की मौत, वह भी अल्लाह अब्दुल्ला जैसे नौजवान की। अब बड़े बाप यानी दादा पर तो दुख और गम का पहाड़ टूट गया। अब देखिए ये पृष्ठ 28 पे, और आमनी का तो सुहा गुजर गया, ये हजरत मोहम्मद की माता थी आमनी देवी। अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो आमनी गर्भवती थी, यानी हजरत मोहम्मद जी माँ के पेट में थे जब उनके पिता का देहांत हो गया। सोमवार का दिन था, ये तारीख थी, आमनी को यहाँ एक बच्चे ने जन्म दिया। अब्दुल मुतल्लिब दौड़े हुए आए, जो उनके दादाजी का नाम था हजरत मोहम्मद जी का, देखते ही खिल उठे, और उस लड़के लड़का था वह भी अब्दुल्ला का, बच्चे का नाम मोहम्मद रख दिया। मोहम्मद का अर्थ है कि हर तरह से प्रशंसनीय, वह जिसे सब पसंद करें, सब अच्छा कहें। अब देखो मोहम्मद 5 साल के हो गए, मोहम्मद सल्लल्लाह, आमनी मदीना पहुंची तो प्यारे बेटे को घर को वह घर दिखा जहां उसके प्यारे बाप का इंतकाल हुआ था, वह जगह भी दिखाई जहां वह हमेशा की नींद सो गए थे, सो रहे थे, यानी उनकी कब्र भी दिखाई। वहाँ 1 महीना बिताकर आमनी ने घर लौटने का इरादा किया और मोहम्मद सलल को लेकर मक्का के लिए रवाना हो गई। शोहर की तरह आमनी भी रास्ते में बीमार हो गई और उजैफा से 23 मील पर एक गांव है अबवा, वहाँ पहुँची तो हालत नाजुक हो गई और फिर संभल ना सकी, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। वहीं उनकी कब्र बनी। अल्लाह अब्दुल्ला का इंतकाल भी तो परदेश में हुआ था, यानी माँ बाप दोनों बाहर मरे और दफन भी इसी तरह हुए थे। अब कौम और वतन से बहुत दूर, आप यतीम थे, हजरत मोहम्मद यतीम हो गए, बाप के साए से महरूम थे। अभी इस यतीमी का एहसास हुआ ही था कि माँ भी चल बसी। बाप की कब्र देखी थी तो माँ की भी कब्र देखी, तैयार हो गई। अब पुण्यात्माओं, ये दास ये बताना चाह रहा है कि इस परमात्मा कबीर जी की भक्ति और इसकी शरण छोड़कर इस हजरत मोहम्मद के जीवन में किसी सुख का सांस नहीं था, क्योंकि कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद जी को आकर मिले थे कि बच्चा तू गलत स्थान पर लग रहा है, और इनको अपने सचखंड लेकर गए थे, सतलोक दिखाया था। लेकिन इस जबरिल नाम के देवता के डर के मारे, जिसने डरा डरा कर इसको कुरान शरीफ का ज्ञान दिया था, कबीर परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ, क्योंकि समय थोड़ा है और ये चैप्टर लंबा है। ये देखिएगा पृष्ठ 51 पर, यह मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है, यह नौजवान है कि कुरैश में इस जैसा कोई नहीं है। हाँ, माल इसके पास कम है, लेकिन माल तो चलती फिरती छा। मोहम्मद मेरा संबंधी है, यानी उनका रिश्तेदार बता रहा, यह तुम सब जानते हो। वह खुवैलिद की बेटी खदीजा से निकाह करना चाहता है। इस तरह यह मुबारक काम पूरा हुआ और कुरैश की सबसे बाइज्जत औरत कुरैश की आमनी से के आमनी के घर आ गई, अमीन के घर आ गई। उस समय आपकी उम्र 25 साल की थी, 2 महीने 10 दिन थी, और बीबी खदीजा की 40 साल की थी। अब 46 पे लिखा है, खदीजा बहुत ऊंचे घराने की औरत थी, वह बनी खजूम के 2 रईसों से आगे पीछे ब्याई थी। वे दोनों बहुत काफ़ी दौलत छोड़कर दुनिया से विदा हो गए थे, यानी 2 बार विधवा हो चुकी थी। अब देखिएगा, अब देखो यहाँ,
खदीजा के साथ उन आपकी जिंदगी अत्यंत आनंदपूर्ण जिंदगी थी। अब 64 पर देखना कैर टूट गया है। लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्दी ही खत्म हो गए। आप के सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। किसके? हजरत मोहम्मद जी के बेटे कासिम, तैयब और ताहिर, ये तीन बेटे थे। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह को से जा मिले। जख्म पर जख्म लगते रहे लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया और बड़े हुए तो अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। अब पुण्य आत्माओं विचार करो, अब हजरत मोहम्मद जैसे पुण्य आत्मा पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारी की या दुर्गति, अब जिसके सामने तीन बेटे हों, बाप के तीनों मर जा, वो कितना सुखी होगा? कहर टूट जाता उसके ऊपर। पुण्यात्माओं, जो भक्ति मुसलमान धर्म में प्रचलित थी, हजरत मोहम्मद जैसी भक्ति ना तो कोई कर सकता और ना कर सकेगा, क्योंकि सब उन्हीं के सागिर्द हैं, अनुयायी हैं। और उनकी की हुई भक्ति की या से ये फल मिला तो बाकी मुसलमान समाज को क्या लाभ होगा जो वो भक्ति कर रहे हैं कुरान शरीफ में वर्णित। क्योंकि कुरान शरीफ को ना समझ कर, जैसे सूरत फुरकानी आयत 25 आयत नंबर 52-59 में लिखा है कि वो कोई और परमात्मा है, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, जो वो कबीर नामक अल्लाह है जो 6 दिन में सृष्टि थी, 7 तख्त पर जा बैठा, तो वो परमात्मा नहीं मिला। तब तक ये अन्य साधना जो करते रहे ये मोक्षदायक नहीं, ना ही रोग संकट निवारक, ना प्रारब्ध के कष्ट को ये काट सकती ये साधना। केवल पूर्ण परमात्मा ही हमारे प्रारब्ध में जो आए हुए पाप कर्मों के कारण दुख को दूर कर सकता है। अब हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ कैसे मिली ये झलक और दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा पृष्ठ 67। प्यारे नबी सलल यानी हजरत मोहम्मद की 40वीं सालग्रह करीब थी, यानी 40 साल के हो गए थे। अब आप पर हकीकत खुलनी शुरू हो गई। आप सल्लल्लाह को सच्चे सोपन दिखने शुरू हुए, उनसे आप पर हकीकत खुल गई। यहाँ देखो प्रश्न नंबर 68 पर, इस तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप यानी हजरत मोहम्मद जी गुफा में आराम कर रहे थे, सुबह का सुहाना समय था, अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन फरिश्ता, हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था, बोला पढ़ो। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद घबरा गए, फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। आपको ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गला घोंट रहा हो और शरीर को भींच रहा हो, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो, फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर कहा आप सलल को महसूस हुआ कि गला घोंट रहा है और शरीर को भींच रहा है, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो, मार मार कर पढ़ाया डरा डरा के। आप को संदेश आंदेशा हुआ कि ये फिर गला घोटेगा और इस बार और जोर से भींचेगा, फरमाया क्या पढ़ूं बोलो, बोला क्या पढ़ूं, बोला पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से, पढ़ो तुम्हारा मेहरबान रब ही है जिसे कलम से सिखाया इंसान को, वह कुछ सिखाया जो उसे मालूम नहीं था, कुरान, ये कुरान का जो लिखा वो कुरान के लेख पढ़ाया। फरिश्ते के बताने पर आपने पढ़ा, पढ़ते ही याद हो गया, चित पर अंकित हो गया, फिर फरिश्ता चला गया, आप उठ खड़े हुए, भय से दिल कांप रहा बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे, हैरानी और घबराहट की हालत थी।
दिल ही दिल में सोचने लगे, अभी मुझे मुझसे किसने बातें की, ये कौन मुझे पढ़ा गया है। फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। अब आप सलल यानी हजरत मोहम्मद को पूरा विश्वास हो गया कि यह जिन का असर है और जिस बात का डर था वही सच बात हो गई होकर रही। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाह पहाड़ की घाटियों से गुजरने लगे। पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। दिल में बार बार ख्याल आता, शुरू में जो स्वप्न दिखाई दिए थे वह तो बिल्कुल सच्चे निकले। उनसे बहुत सी नई बातें मालूम हो गई। या से वो कौन था जो मुझे पढ़ने के लिए कह रहा था। अचानक वह एक आवाज़ आई, मोहम्मद। आप सलल यानी हजरत मोहम्मद चौंक पड़े, घबरा कर सिर ऊपर उठा, देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था। वह पुकार कर कह रहा था, मोहम्मद तू सल्लल्लाह का रसूल हो कि तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जबरील हूँ। आपकी घबराहट और बड़ी डर से रोंगटे खड़े हो गए, भय से कदम रुक गए, कभी दाई ओर देखते कभी बाई तरफ कि यह सूरत आँखों से ओझल हो, लेकिन जिधर देखते वहीं दिखाई देता, जिधर मुंह करते वहीं दिखाई मौजूद होता। आगे बढ़े या पीछे हटे, नीचे नज़रें नीचे करें या ऊपर उठाएं, हर तरफ ये जबरील दिखाई देवे था, हर तरफ वह फरिश्ता दिखाई देता था। फरिश्ता चला गया। आप खदीजा के पास आए, भय से कांपते हुए पसीने में डूबे हुए थे। आते ही फरमाया, मुझे कुछ उड़ा दो, कुछ उड़ा दो। तुरंत बीबी खदीजा ने चादर उड़ा दी। खदीजा कहने लगा, खदीजा मुझे क्या हुआ, तुम ही बताओ ये मुझे क्या हुआ। फिर जो कुछ हुआ था सब बयान किया। फरमाया, मुझे अपने बारे में डर है। बीबी खदीजा बहुत समझदार थी, ये बातें सुनकर जरा भी नहीं घबराई और उन्होंने आपको इज्जत की नज़र से देखा। बोली, चाचा के लाडले खुश हो जाइए और जो कर रहे हैं करते रहिए। उस जात की कसम जिसके हाथ में खदीजा की जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। ऐसे ऐसे इनको समझाए। अब आगे देखो, कहने का भाव ये है कि ये कुरान शरीफ का ज्ञान इस काल भगवान ने अपने फरिश्तों द्वारा या आकाशवाणी कर कर कहने डरा डरा कर इस हजरत मोहम्मद जी को दिया और फिर वो लिपिबद्ध कर दिया गया, ये कुरान शरीफ कहलाई। अपुन आत्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि अरस कुरस पर अलह तकत है खालिक बिन नहीं खाली। परमात्मा कबीर जी ने गरीबदास जी को वो ज्ञान बताया, सच्चाई का सत्य ज्ञान, और फिर वही ज्ञान गरीबदास साहिब जी ने आपको अपनी अमृतवाणी में लिखा है। क्या बताया है, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 180,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहेब के अब्दाली, अरस कुरस पर अलह तकत है खालिक बिन नहीं खाली। अब क्या बताया है कि नबी मोहम्मद एक अच्छी आत्मा थी, आदरणीय पुरुष थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, वो भगवान का एक रसूल बनकर आया था। और 180,000 को सौगंध जिन ही कर्ज चलाया, 180,000 हजरत मोहम्मद जी के समय में मुसलमान बने थे, जो मांस नहीं खाते थे, कि उन्होंने कभी ये ईद बकरीद नहीं मनाई जो तुम मनाते हो मुसलमानों। फिर क्या बताते हैं कि अरस कुरस पर अलह तकत है और खालिक बिन नहीं खाली। वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, हजरत मोहम्मद जैसी पुण्यात्मा, और वे 180,000 वो तो अच्छी आत्माएं थी, परमात्मा के कृपा पात्र थे, उन्होंने मांस नहीं खाया। ये तो बाद में इन जीव के चठोरों ने, अन्य धर्म के ठेकेदारों ने, या बुराई तुम्हारा लगा दी भाई, ये मांस खाना पाप है। और जिस साधना को तुम कर रहे हो इससे तुम हजरत मोहम्मद जी से ज़्यादा नहीं कर सकते। इस साधना को जो तुम 5 वक्त की नमाज भी मुश्किल से कर पाओ हो, हैं, और हजरत मोहम्मद जी को इस साधना से क्या लाभ हुआ, तीनों बेटे आँखों के सामने मर गए और स्वयं भी 61-63 साल की उम्र में बीमारी से बहुत बुरी तरह तड़प कर मरा।
अब देखिएगा, ये वही पुस्तक है जीवनी हजरत मोहम्मद, प्रश्न नंबर 307 पे हिजरत का 10वां साल था। प्यारे नबी हज के इरादे से मक्का रवाना हुए। आपके साथ 1,00,000 से ज़्यादा बहादुर साथियों का काफिला था कि 1,80,000 इनके शिष्य थे। और हजरत मोहम्मद जी पुण्यात्माओं ब्याज को भी मना किया था, उन्होंने नियम बनाए हैं मोहम्मद हजरत अपने मुसलमान धर्म के, जिनमें से एक ये है कि लड़ाई मत करो और ब्याज, दूसरा है ब्याज मत लो। जो व्यक्ति ब्याज लेने से भी मना कर सकता है, क्या वो मांस खाने के लिए प्रेरित करेगा? कभी नहीं। अब देखो क्या लिखा है, ये देखिएगा, यही 307 पृष्ठ है। कोई अमान रखे तो उस ख्यानत, उसमें ख्यानत ना करे, और खून खराबे और ब्याज के करीब ना फटकना, खून खराबा नहीं करना और ब्याज के करीब भी मत फटकना, ब्याज भी मत लेना। अपने आत्माओं हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं, समय आने पर इतना कोई हम भगवान के यथार्थ ज्ञान से अपरिचित होकर के, सत्य से दूर होकर के, धर्म तो वही रखते हैं, नाम वही होता है, लेकिन धार्मिकता से दूर होते चले जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि परम संत ना मिलने से हमारे अंदर बुराइयां घर करती चली जाती हैं, काल हमें नचाता रहता है। अब हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु कैसे हुई ये देखिएगा, 310 पे कमजोरी बहुत ज़्यादा थी, बेसहारा चलना आपके लिए अब मुमकिन न था। मुसलमान उदास हो गए थे, बेचैन और बेकरार थे, क्योंकि उनका प्यारा बीमारी के बिस्तर पर था। बीमारी हर क्षण बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कि आप इस बीमारी, इस तरह बीमार नहीं हुए थे इससे पहले, इसलिए वे और भी ज़्यादा निराश और फिक्रमंद थे। प्यारे नबी की हालत गिरती गई, बुखार भी कभी घट जाता कभी बढ़ जाता। जब तक पैरों में दम रहा, चलने फिरने की ताकत रही, आप मस्जिद में जाते रहे, मुसलमानों की इमामत करते रहे। सबसे आखिरी नमाज को आप जो आपने पढ़ाई वह मगरिब की नमाज थी। ईसा का वक्त हुआ तो आपने पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा, बस आपकी इंतज़ार है। आपने बर्तन में पानी भरवाया, गुसल किया, उठना चाहा, बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश आया, आप तो पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा, फिर कहा, हजूर आपका इंतज़ार है। कुछ फिर आप नहाए और उठना चाहा, इस बार भी आप फिर बेहोश हो गए। कुछ देर में होश आया, उठने का इरादा किया तो फिर बेहोश हो गए। इस प्रकार आप होश आया और फरमाया, अपुन आत्माओं देखो। अब 314 पर देखिएगा, 314 पर कमजोरी हर क्षण बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, तुरंत पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते, चादर कभी मुंह पर डाल लेते कभी हटा लेते। उस समय निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह नजा, जान निकले, निकलने के समय की परेशानियों को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा बेचैन हो, अपराह्न का समय था, सीने में सांस धड़ा धड़ा रही थी। इतने में आपके होठ हिले और कानों में ये आवाज़ आई, नमाज गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठाए, आपने उंगली से इशारा किया और फरमाया, अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यही कहते कहते आप लटक गए, आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली। इंतकाल के समय आपकी उम्र 63 साल थी। अपुन आत्माओं ये दास ये दिखाना चाहता है कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं उनसे हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की या ब्रह्मट्टी तो आपका, आपको क्या लाभ होगा।
और पुण्यात्माओं परमेश्वर कबीर देव जी सह शरीर गए थे हजारों मुसलमान और हिंदुओं के सामने, उनके फूल पाए थे, सुगंधित फूल मिले थे, परमात्मा सतलोक सह शरीर गए थे, जाते हुए दिखाई दिए थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने 6 महीने पहले बता दिया था कि उस दिन मैं शरीर त्यागूंगा, और ऐसे बैठ करके शरीर त्याग दिया था। मेरे पूज्य गुरुदेव जी 108 साल के हो गए थे और आराम से लेटे लेटे सच्चाई बोलकर शरीर त्याग कर चले गए थे। 108 साल तक भी वो स्वस्थ थे। अपुण्यात्माओं, आपको एक परमेश्वर कबीर जी का वो ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण दिखाते हैं कि अभी पिछली 24 तारीख को यानी 24 जुलाई को एक मुसलमान भक्त उपदेश लेकर गया, उसके दोनों किडनी खराब थी। कहाँ से? भिंड जिला से। उसने अपनी आपबीती बताई है और वो आया हुआ है। एक बार वो भाई, वो भक्त आगे आए, भक्त बहीद खां पुत्र मुंशी खान, गांव व तहसील, मैं बहीद खां पुत्र मुंशी खान, गांव व तहसील मेह गांव, जिला भिंड, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं 3 साल से सख्त बीमार था, मेरी दोनों किडनी खराब थी। इन्होंने लिख कर दिया है, मैंने 2 साल ग्वालियर में बड़े बड़े MBBS डॉक्टरों से इलाज करवाया, परंतु कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद ग्वालियर के डॉक्टरों ने मुझे दिल्ली AIMS ऑल इंडिया मेडिकल्स के लिए रेफर कर दिया। वहाँ डॉक्टरों ने सभी जांच के बाद बताया कि 3 बोतल खून चाहिए, पहले आपका खून फिल्टर होगा, फिर आपके परिवार से के किसी सदस्य की किडनी निकालकर आपको ऑपरेशन द्वारा लगाई जाएगी। ऑपरेशन का खर्च 4 लाख लगेगा। मैं रुपए देने में असमर्थ था, इसलिए दिल्ली से अपने घर वापस आ गया। असहाय होकर मृत्यु का इंतजार करने लगा, क्योंकि मैं खाने पीने चलने फिरने व बैठने उठने में असमर्थ हो चुका था। फिर किसी व्यक्ति द्वारा पता चला कि हरियाणा में बरवाला में जिला हिसार के अंदर परमात्मा आए हुए हैं, जो असाध्य रोग को परमात्मा की भक्ति से ठीक करते हैं। ये शब्द सुनकर 24/7/2009 को आपके चरणों में पहुंचकर नाम दान ले लिया। नाम दान लेने के बाद मुझे आराम होना शुरू हो गया और धीरे धीरे 1 महीना भी नहीं लगा मैं अब आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक हो गया। बोलो सतगुरुदेव की। मेरे परम पिता परमेश्वर, आपने जो जीवन मेरे को दिया है उसका एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। मेरे सतगुरु, आपने अपने दास पर कृपा करके ऐसे चरणों में लगाए रहना। आपका दास बहीद खां पुत्र मुंशी खां, तहसील व गांव डाकखाना बेहगांव, जिला भिंड, मध्य प्रदेश में। अब इसके साथ वहां से लगभग 50 व्यक्ति आए हैं नाम लेने के लिए। बोल सतगुरुदेव। अभी इसके साथ लगभग 50 व्यक्ति और आए हैं जो उपदेश लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, उसी भिंड जिले से। ये लड़का है जो हाथ जोड़े खड़ा है, ये भक्त। बोलो सतगुरुदेव की जय। इन्होंने लिख कर दिया है, मैं बहीद खां पुत्र मुंशी खान, गांव व तहसील मेह गांव, जिला भिंड, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं 3 साल से सख्त बीमार था, मेरी दोनों किडनी खराब थी। मैंने 2 साल ग्वालियर में बड़े बड़े MBBS डॉक्टरों से इलाज करवाया, परंतु कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद ग्वालियर के डॉक्टरों ने मुझे दिल्ली AIMS ऑल इंडिया मेडिकल्स। माँ, हमने इलाज के लिए पर्चा बनवाया तो डब डॉक्टरों ने हमारी जांच की तो हमारी दोनों किडनी खराब थी। तो जब डॉक्टर बोले कि अभी 1 महीने की दवाई ले जाओ, उसके बाद आना, तो हम 1 महीने की दवाई ले गए, फिर 2 महीने की ले गए, फिर 3 महीना की ले गए, हमको कोई आराम नहीं मिला।
फिर डॉक्टरों ने चेकअप किया तो बोले कि आप एक काम करो, हर महीना 15,000 और 20,000 का खर्चा आएगा, एक महीने तक आपका खून फिल्टर हर महीना होगा, 12 महीने के बाद में आपकी किडनी बदली जाएगी तो 4,00,000 रुपए का खर्चा आएगा, और परिवार की किडनी चाहिए, जब दूसरी किडनी के लिए भी यही समस्या है, तो हर महीना खून फिल्टर किया जाएगा और फिर एक साल के बाद में आपका 4,00,000 रुपए का फिर खर्चा आएगा, उसके बाद में आपकी किडनी दोनों सही होंगी, परिवार की किडनी चाहिए। तो हमने कही साहब हमाओं को एक महीने की दवाई लिख दो, हमारे पास इतनी पैसे की व्यवस्था नहीं है। तो फिर हम घर को वापस पहुंच गए, तो जब घर वापस पहुंच गए तो हमारे घर में हमारे अब हमारी हालत ख़राब होती चली गई बिल्कुल। तो हमारे परिवार वालों ने सोचा कि अब वैद्य बचेंगे नहीं, तो इसलिए रिश्तेदारों में खबर पहुंच गई, तो खबर पहुंच गई तो रिश्तेदार आने जाने शुरू हो गए, साले बुआ फूफा सब रोग आने जाने लगे, हम रात भर रोमें शिव घर सोवे। अब हम ये कहें मालिक मेरे एक बच्ची है, तीन बच्चियाँ अभी तो हम बिल्कुल बीच धार में पड़े हुए, मालिक हमारी कैसे नैया पार लगेगी। तो मालिक ने अब एक ऐसा हुआ कि मुन्ना सिंह नरवरिया जी जो विधायक हैं हीरापुरा के, उनने हमसे बताया कि एक काम करो वैद, हरियाणा में रामपाल जी महाराज का सतलोक आश्रम है, उसमें चलें अपन तो अपने को मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली है। तो हमने कही चलो भाई महाराज जी के पास चलेंगे। तो 24 तारीख को हम यहाँ आए, हमने महाराज जी से उपदेश लिया, अब हम बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हैं, 4 रोटी सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, रात भर सोते हैं, सुबह सोते उठते हैं टाइम से, अपनी दुकान पे जाते हैं, साइकिल की दुकान है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, अब मालिक का करम है, सतगुरु महाराज की कृपा है, हमारे साथ में चंगुल लोग चलकर महंगाव से आए हैं, पहली बार में हम आए थे दो जने बाप बेटा, अब हम आए हैं चंगुल लोग चल के संत रामपाल जी महाराज के चरणों में। रामपाल महाराज की जय, बोलो सतगुरु देव की जय, सत साहेब। अब हमें वो अल्लाह अकबर मिल गया, वो कबीर भगवान मिल गया जो दुख दूर किया करता है। हम एक पिता की संतान हैं, यहाँ काल ने हमें विभाजित कर रखा है, बच्चों पहचानो इसके जाल को और निकलो इसके जाल से, और लो उपदेश परमात्मा का, चलो अपने सतलोक में, बोलो सतगुरुदेव।